सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे आप रन करेंगे विजुअल स्टूडियो 2022 के कोड एडिटर में। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है कंटिन्यू विदाउट कोड। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट पे जाना है। और जैसे आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ आपका रहेगा सी शार्प और यहाँ पे आपको लिखना है कंसोल। जैसे आप कंसोल लिखेंगे फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस पे आपको सेलेक्ट करना है इसको और नीचे आकर नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल लेता हूँ प्रोजेक्ट वन। और यहाँ पे आप जो भी लोकेशन है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो मैं चेंज नहीं करता हूँ। और देखिए जो फ्रेमवर्क है 4.7.2 है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है वो लिखना है। तो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड। और यहाँ से हमें क्लोज कर देना है ब्रैकेट को और सेमीकोलन लगा देना है। जैसे इसको रन करेंगे फिर देखिए कंसोल पे ये हमें देखने को मिल जाता है, देखिए यहाँ पे, मगर ये गायब हो जाता है जो भी कंसोल आता है। तो हमें क्या करना है, मैसेज को होल्ड भी कराना है। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कंसोल डॉट रेड लाइन और देन हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और सेमीकोलन लगाना है। जैसे हम इस पे अब रन वाले बटन स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें जो मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे मैसेज देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई है वीडियो पे लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।